बुजुर्गों से हमारा करवा के को मदद करवा रहे हैं यार, जाते जाते से काम कर रहे हैं ना। अरे भाई नेताओं के गले में माला मत डाला करो जा रहे हैं। अच्छा जी, इससे तो नेताओं की बुद्धि खराब होती है। अच्छा जी, आप बैठ जाओ। पेट्रोल पंप है ठीक। आज हमारे भी दिल्ली सरकार में मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी बता रहे हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। गर्मी का मौसम है, आप सभी को पता है इलेक्शन का टाइम है, हमारी तरफ और भी बहुत ज्यादा है कि मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले 19 तारीख को चेयरमैनी पद की वोट श्री अशोक जैन जी 4 नंबर बैलेट पेपर पर झाड़ू का बटन दबाकर उनको बनाए और केजरीवाल सरकार की जो नीतियां दिल्ली और पंजाब में लागू हैं वो नीतियों को हरियाणा में लाने के लिए आपकी बार हमें झाड़ू को भारी से बड़ी संख्या में जिताना आवश्यक है। अब मैं आग्रह करूंगा श्री देवेंद्र सैनी जी से उनको अपने विचार रखें। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, मंत्री दिल्ली सरकार, मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आज मेरा थोड़ा भाषण देने का विषय नहीं है। मंत्री जी दिल्ली से केवल इसलिए आए हैं कि जो दिल्ली में इन्होंने 3 बार की पारी में अपनी पारी में जो काम किया है उनको आप लोगों को आवश्यक है और आपसे वोट के लिए सबसे पहले समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा ये मानना है कि जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि प्रजातंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनती है। और आपको शायद ये ना पता हो, जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब भारत में सरकार को जनता स्वयं चुनेगी, तो उसमें मुद्दा यह आया कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। तो शायद आपको ना पता हो, ज्यादातर लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार
केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उद्योगपति उनको मिलना चाहिए। और कुछ लोग इस फेवर में थे कि जो बड़े जमींदार हैं या जो ग्रेजुएट हैं केवल उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब आप लोग सोच के देखो, अगर वोट डालने का अधिकार, सरकार को चुनने का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, बड़े जमींदारों को और इनकम टैक्स पे करने वाले बड़े उद्योगपतियों को ही मिला होता तो क्या फिर आम लोगों के लिए कोई सरकार काम करती? क्या फिर हमारे आपके लिए कोई स्कूल अस्पताल बनते? लेकिन संविधान सभा के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को लेकर अड़ गए कि देश में रहने वाले सभी लोगों को, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, वोट डालने का अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए। और उन्होंने अपनी तर्क शक्ति से, अपनी काबिलियत से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वोट का अधिकार सभी लोगों को समान रूप से मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाला है तो उसकी वोट की कीमत ज्यादा होगी, कोई गरीब है तो उसकी कम होगी, और ऐसे भी नहीं है कि कोई राष्ट्रपति है तो उसकी वोट की कीमत ज्यादा होगी और एक चपड़ासी की वोट की कीमत कम होगी। सब यानी वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। तो संविधान सभा के सदस्यों ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भारत को आजाद करा के सरकार को चुनने का अधिकार जनता को दिया, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने अधिकार की इस वैल्यू को, कीमत को भूल गए। अभी मुझे मेरे साथियों ने बताया रास्ते में कि यहाँ की जो नगर जो परिषद है उसको लगभग 122 करोड़ रुपया उन्होंने ठेकेदारों को पे किया 5 साल में। मतलब इस एक निकाय के अंदर जिसमें 20-25 मेरे ख्याल से वार्ड आते हैं, 23 वार्ड आते हैं, उसमें 122 करोड़ के करीब का अगर खर्च हुआ है, 122 करोड़ में तो कितना विकास हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि विकास करने वाले लोगों की जिनको जिम्मेदारी है उन लोगों ने इतने बड़े फंड के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ की है और लोगों के हक में, हित में जो पैसा खर्च होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था, जो यहाँ के प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए था, साफ सफाई पे खर्च होना चाहिए था, शायद वो ईमानदारी से पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। और उसमें दोष कुछ ना कुछ हमारा भी है कि हम लोग ऐसे लोगों को पहचानने में गलती करते हैं। हम एक से खफा हो जाते हैं, अगली बार फिर दूसरे, उसके दूसरा साथी, यानी जो आपस में कांग्रेस और बीजेपी चोर चोर मोसेरे वाली बात सुनी होगी आपने। आप एक से गुस्सा हुए, अगली बार उसको चुन दिया, अगली बार उससे गुस्सा हुआ, फिर पहले वाले को चुन दिया, तो आप लोगों ने सही निर्णय नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में विचार विमर्श करने के बाद सारी बड़ी पार्टियों को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल को चुना और अरविंद केजरीवाल, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा था, सरकारी स्कूल या तो बंद हो रहे थे या कमजोर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल खुल रहे थे, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे थे और प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे के पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को हर महीने कम से कम 8 से 10 हजार रुपए चाहिए मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 बच्चों को पढ़ाने 10 हजार रुपया एक परिवार को चाहिए। नौवीं में पहुंचा, नौवीं में कानून बना दिया जो बच्चा एग्जाम देना होगा, एग्जाम में जो फेल हो जाए जो स्कूल से निकाल दो। अब उस बच्चे को पहली से आठवीं तक कुछ सिखाया ही नहीं और नो डिटेंशन पॉलिसी में ऐसे ही उसको पास कर दिया। अब वो बच्चा नौवीं में जाके एग्जाम में कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सीखा ही नहीं कुछ, वो फेल हो जाता है, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना जहां सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। ऐसे में जब निराशा का माहौल था और भ्रष्टाचार बहुत तेजी चरम पर था, कितने उस वक्त मतलब लाखों करोड़ के घोटालों की आपने चर्चा सुनी होगी, ऐसे में लोगों को बदलाव की जरूरत थी। लोगों ने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया और उसका नतीजा ये हुआ, देश को छोड़ दो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी सरकार में। तो उन्होंने अपने टोटल बजट का लगभग 25%
एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को अब इतना बेहतरीन कर दिया कि वहां 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी में आ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ जो सरकार अपने बच्चों के सरकारी स्कूलों को इस लायक ना बनाए कि वहां से बच्चे पढ़ के कामयाब हो पाए, और जो सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्च ही ना उठा पाए, जो सरकार लोगों के इलाज का खर्च ना उठा पाए, जो सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ना दे पाए, क्या ऐसी सरकारों की जनता को जरूरत है? जनता को तो ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की पढ़ाई का खर्चा, इलाज का खर्चा, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था और विकास सही मायने में जो होना चाहिए वो करके दिखाए। तो आम आदमी पार्टी ने वह करके दिखाया और अरविंद केजरीवाल पूरे देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2020 के चुनाव में जनता से ये कहा कि अगर हमने दिल्ली में काम किया हो 5 साल की सरकार में तो आप हमें वोट देना, और अगर हमने अच्छा काम ना किया हो तो हमें वोट मत देना, बीजेपी कांग्रेस को दे देना। क्या पूरे देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री है जो इतनी कहने की हिम्मत रख सके? और वहां काम हुआ क्यों? वहां बिजली 200 यूनिट फ्री है, जबकि हमने बिजली फ्री का वादा नहीं किया था, बिजली के दाम आधे का वादा किया हमने, फ्री कर दी। हमने पानी की फ्री की बात की थी, वो चल रहा है। हमने ये नहीं कहा था बुजुर्गों को तृतीयांतर फ्री कराएंगे, हमने वो भी कर दी। हमने ये नहीं कहा था कि जब युवा 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं 12वीं में आता है या कॉलेज में जाता है, वो बच्चा जज बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, बैंकिंग रेलवे में जाना चाहता है, तो आजकल क्या उसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है? बिना कोचिंग के बच्चे सफल नहीं होते। तो हमने ये नहीं कहा था कि कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी, हमने दिल्ली के अंदर कोचिंग का खर्चा हमारी सरकार ने उठाया। आज वहां से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के भी, गरीब बच्चे भी, वो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार जब आप चुनते हैं जो ईमानदार हो, और ईमानदार राजनीति बदलने का जो काम है, तो ये टेस्ट के तौर पर लो। आपको अगर अच्छा चाहिए तो अच्छे लोग को चुनो, वरना तो रिश्वत का बोलबाला है पूरा। आप जानते ही हैं किस तरह, रजिस्ट्री कराने जाओ तो वहां देखो, कोई भी काम करवाने जाओ तो आपका बिना रिश्वत के काम नहीं होता। तो आपके पास एक मॉडल, काम का मॉडल, राजनीति बदलने का मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी के रूप में दिल्ली में जो शुरुआत हुई है, और उसके बाद पंजाब ने अपनाया तो पंजाब में अच्छे काम होना शुरू हो गया। अब हरियाणा, हिमाचल, गुजरात एक एक करके सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी की डिमांड बढ़ी है। लेकिन डिमांड बढ़ना अलग बात है, उसको परिवर्तन करके दिखाना वोट के माध्यम से, जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसको आप एक टेस्ट के तौर पे ले। इस बार आप यहाँ चेयरमैन के पद में सुख जी को जिताए, पूरे हरियाणा के अंदर लोग जहाँ हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको अगर आप चुनाव में इस बार अच्छा रिजल्ट देते हैं तो यकीन मानिए कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा हरियाणा का, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके बाद हरियाणा के लोगों को भी वही सारी सुविधाएं इस तरह दिल्ली के लोगों को मिली है और पंजाब के लोगों को मिलनी शुरू हुई है, उसी तरह की सुविधाएं फिर आपको भी मिलेगी, और रिश्वत को हम फिर पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाब होंगे। यही आह्वान करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको अच्छा बुरा अपना सोचना है, क्योंकि वोट का अधिकार आसानी से नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। क्योंकि सोचो, अगर केवल उद्योगपतियों को मिला होता, इनकम टैक्स पे ही को, और केवल ग्रेजुएट को मिला होता, केवल बड़े जमींदारों को मिला होता, तो मजदूर, किसान, आम जो आम आदमी है, जो इतना जिसपे पैसा नहीं कि इनकम टैक्स पे करे, या जिनको हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया इसलिए वो पढ़ नहीं पाए तो ग्रेजुएट भी नहीं बन पाए, संपत्ति का अधिकार भी लोगों के पास नहीं था, केवल 10-12% के पास था, तो उनके पास तो जमीनें भी नहीं थी, तो उनको तो वोट का अधिकार मिलना ही नहीं था। तो आप अपने वोट के अधिकार की कीमत को समझो। देश का बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है, हमने अपने वोट की कीमत को समझा नहीं। हमने शराब की बोतल में 1500 रुपये में 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच दिया, और हम लोग ये भूल गए कि जो आदमी जिन बड़े पूंजीपतियों के पैसे के दम पर हमारी वोट को खरीदता है, उन्हीं के हाथों वो देश को और हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देता है। इसलिए अपनी वोट की कीमत को हमें समझना पड़ेगा, और सही तरीके से अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे, ईमानदार लोगों को चुन के भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा और क्षेत्र का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राजेंद्र पाल गौतम जी जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका, आपका मैं